इस वीडियो में हम IGN एनिमे अवार्ड 2023 पर बात करेंगे, स्पेशली बेस्ट एनिमे ऑफ द ईयर यानी विलन सागा सीजन 2 पर हम बात करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको IGN एनिमे अवार्ड पर एक समरी दे दूं। चलो भाई, IGN एनिमे अवार्ड 2023 में जो एनिमे रनर अप रहे उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। ओशिनोको, बोची द रॉक और मॉब साइको 100 का सीजन 3, और जो बेस्ट एनिमे रहा वो रहा विलन सागा सीजन 2। इसके बाद जो टॉप स्पॉट के लिए कुछ एनिमे मेंशंस भी है, जैसे अरेत्सुकू का सीजन 5, अटैक ऑन टाइटन का फाइनल सीजन, चेंसो मैन, इंसोमनियक्स आफ्टर स्कूल, जुजुत्सु काइसन, मॉब सूट, गंडम, द विच फ्रॉम मर्क्यूरी, प्लूटो, स्कॉट पिलग्रिम टेक्स ऑफ, टू योर इटर्निटी सीजन 2, अनडेड मर्डर फार्स, ज़ोम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड। अब बात करते हैं IGN बेस्ट एनिमे ऑफ 2023 विलन सागा सीजन 2 पर, और हां स्पॉइलर्स होंगे इसके रिगार्डिंग। विलन सागा के सीजन 2 से कुछ फैंस की कंप्लेंट थी, अम्मा भाई पे आ जाऊंगा मैं इनकी, कि हमें सीजन 1 वाला थॉरफिन पसंद है जो लड़ने के लिए तैयार रहता था, जिसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, बदला। सीजन 2 में तो थॉरफिन फार्मर ही बन गया हुआ, वॉर को अवॉइड कर रहा है यार। इन फैंस ने ना लिटरली गलती कर दी। विलन सागा का जो सीजन 2 है ना, वो वॉर को किस तरह अवॉइड करना है ये हमें बताता है। एक ट्रू वॉरियर को स्वॉर्ड की जरूरत नहीं होती, वो हमेशा वॉर से भागेगा, जो कि थॉरफिन करता भी है सीजन 2 में, जब कैनुट से बात करने जाता वो और बोलता कैडल फॉर्म को छोड़ दो, और कैनुट भाई मोहित भाई के भी फैन है, वो बोलते ऐसे कैसे, क्या करोगे तुम अगर मैं इस फॉर्म को छोड़ूंगा नहीं। थॉरफिन का आंसर क्या होता, वो बोलता है कि मैं भागूंगा। सोचो यार, सीजन 1 में थॉरफिन थोरकेल से लड़ने में बिल्कुल ही नहीं डर रहा था, क्या वो कैनुट से डरेगा, जबकि कैनुट को स्कार दिया था थॉरफिन ने फेस पर। थॉरफिन के लिए लड़ना इजी था कैनुट से एज अ वॉरियर, पर वो नहीं लड़ा। सीजन 1 में थॉरफिन अपने फादर की डेथ का रिवेंज लेना चाहता था लुसियस आर्टोरियस कैस्टस से, अगर इनका नाम मैंने गलत लिया तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। और रिवेंज के चक्कर में ना ये इन भाई साहब के साथ ही रहता है, इनको डुअल के लिए चैलेंज भी करता है बार बार। थॉरफिन को जहां जहां अटैक करने को बोलते हैं ना, थॉरफिन वहां वहां अटैक भी करता है, और थॉरफिन ये सब रिवेंज के लिए ही करता है। थॉरफिन लुसियस आर्टोरियस कैस्टस को चैलेंज करते हुए उसको मारना चाहता था, और यही थॉरफिन की लाइफ का मोटिव था सीजन 1 में। थॉरफिन जी ही रहता है रिवेंज के लिए, और सीजन 1 के एंड में ना उसको रिवेंज मिलता भी नहीं है। इवन लुसियस आर्टोरियस जो कैस्टस है, ये किंग का सर जब धड़ से अलग कर देते हैं ना, अपनी डेथ को एक्सेप्ट भी कर लेते उस टाइम पर ही, और इवेंचुअली ये मर भी जाते हैं। थॉरफिन बोलता भी इनको कि तुम मर नहीं सकते, मुझे अपना बदला लेना है, वो बोलता है वहां पर थॉरफिन। अब आप सोचो सीजन 1 में थॉरफिन लुसियस आर्टोरियस कैस्टस इन भाई साहब से ना अपने फादर की डेथ का रिवेंज लेना चाहता था, जिसके लिए वो जी रहा था, उन्हीं के साथ रह रहा था इसी रिवेंज के लिए। मर जाते हैं और थॉरफिन को अपना रिवेंज नहीं मिलता, और सीजन 2 में इसी के कॉन्सिक्वेंसेस दिखाए हैं आगे। थॉरफिन की लाइफ में अब कोई मोटिव ही नहीं रहा, वो स्लेव बन गया हुआ, खेतों में काम कर रहा, होप ही नहीं है लाइफ में इसकी। सीजन 2 में थॉरफिन जब एनआर से मिलता फिर कहीं जाके थोड़ी सी बातचीत करता। सीजन 2 में हम देखते ना, जब थॉरफिन किसी को पंच भी मारता ना, उसके बाद उसको अपने फादर का फिर एक विजन आता है, जिसमें उसके फादर साहब बोलते हैं मैंने तुम्हें जो नाइफ दिया था ना, वो तुम्हें तुम्हारी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया था, ना किसी दूसरे की लाइफ को लेने के लिए। और थॉरफिन सीजन 1 में अनगिनत जाने ले गया था, जिसका रिग्रेट है उसको। थॉरफिन को नाइटमेयर्स भी आते यार इसके रिगार्डिंग अभी भी। सीजन 2 में थॉरफिन समझ आता है, मैंने जो किया उसको मैं बदल नहीं सकता अब, पर एटलीस्ट आगे से ऐसा ना हो, मैं अब किसी की जान नहीं ले सकता यार, मैं जितना हो सके अब उतनी जानें बचाऊंगा, जितना हो सके उतना वार से भागूंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए कोई कावड़ क्यों ना बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे अब इन सबसे। दूर बहुत दूर एक दुनिया बसानी है, जिस दुनिया की कहानी मुझे बचपन में सुनाई थी किसी ने। उस दुनिया में ना कोई युद्ध है और ना कोई गुलाम, ना कोई किसी से नफरत करता है और ना किसी की पीठ पर तलवार से वार। विलन नाम सुना था बचपन में उस कहानी में मैंने, उस जगह का जहाँ जाकर अब अपनी दुनिया मैंने बसानी है, जहाँ कभी भी युद्ध नहीं होगा और ना कोई इंसान गुलाम बनेगा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा विलन सागा का सीजन 2 वॉर पर क्यों नहीं है। विलन सागा का सीजन 2 आपको वॉर को अवॉइड करना बताता है। पर्सनली मुझे बहुत खुशी है कि IGN ने इसको बेस्ट एनिमे ऑफ 2023 का अवार्ड दिया, जो कि ये डिजर्व करता है यार। विलन सागा की स्टोरी टेलिंग काफी अच्छी है, आपको बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा इसके अंदर। इसका मैसेज भी क्लियर है कि वॉर से कभी भी किसी का भला नहीं हो सकता, और अब मुझे होप है कि इसके आगे सीजन आएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जोरो भाई, फाइनली आई हैव नो एनिमीज़।